स्वागत है आपका MS7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोनिका पपने। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मैनपुरी के किसनी के लोगों ने प्रदर्शन और नारेबाजी कर पाकिस्तान का पुतला फूंक अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से मांग की कि वो भारतीय सेना को पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए खुली छूट दे, ताकि भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तानी सेना और आतंकियों को सबक सिखा सके। बता दें कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बर्बरता की हदपार करते हुए पाक के विशेष बलों की टीम ने रेखा पार कर कश्मीर के कुछ सेक्टर में भारतीय सैनिकों के साथ गोलियाबारी की। अरे पाकिस्तान ने जो दुश्मन है उसने जो दो सैनिक हमारे मारे हैं उसके लिए हमने ये पुतला जलाया है, और हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि ऐसे ही दो सैनिक नहीं कम से कम 20 सैनिकों के हमें मुंडी उतार के उनकी लानी, तब उनको समझ में आएगा। जहां साले को 100 मारूंगा 1000 अपने आप भागेंगे, वो है पाकिस्तानी और उनको मारना ही अब जरूरी हो गया बहुत। यूपी के मैनपुरी में बारात लेकर पहुंचे लालची दूल्हे ने जयमाला के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग की, और जब दुल्हन के परिवार वालों ने मांग पूरी करने से मना कर दिया तो दूल्हा दुल्हन को मंडप पर छोड़कर फरार हो गया। जब इसकी खबर बारात के साथ साथ दुल्हन के घर वालों को पता लगी तो हड़कंप मच गया। फिलहाल पूरा मामला पुलिस की निगरानी में है। मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम खदरा निवासी सोवरन सिंह ने अपनी पुत्री मधु का रिश्ता मैनपुरी शहर के राधानगर निवासी जयवीर सिंह के पुत्र पवन के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी से तय किया। समय के अनुसार दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा। दुल्हन के परिवार वालों ने भी बारातियों का स्वागत पान पराग के साथ किया, साथ ही लगभग 5 लाख रुपए का सामान भी शादी में देने के लिए खरीद लिया। वरमाला का कार्यक्रम खत्म होते ही दूल्हे ने दहेज में एक LED टीवी, एक LR और 30,000 रुपए की मांग की। जैसे ही ये बात लड़की के पिता को पता चली तो उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा कि आपने शादी तय करते समय जो भी डिमांड रखी थी मैंने पूरी की, अब मैं इस हाल में नहीं हूँ कि मैं आपकी और कोई मांग पूरी कर सकूं। यही बात दूल्हे को नागवार गुजरी और दूल्हा रात को ही बारात से फरार हो गया। दूल्हा फरार होने की बात जैसे ही लड़की के पक्ष को पता चली तो वहां हड़कंप मच गया। दोनों ही पक्ष दूल्हे की तलाश में जुट गए, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। लिहाजा थक हार कर दुल्हन पक्ष ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचना कर दूल्हे के पिता सहित अन्य बारातियों को पकड़ लिया और उन्हें थाना किसनी में पुलिस के हवाले कर शिकायत दर्ज कराई। दहेज के मारे लौटा रही है। क्या मांगा था? इन्हें जगह 30,000 रुपए और चाहिए और लड़ चाहिए। आप बिटिया की माँ है? हाँ, बिटिया की माँ। इसी बात पे चले गए? हाँ, बारात लौट गई। क्या क्या दहेज दिया आपने? हमने दहेज दिया कि हमने अपाचे गाड़ी, लर, अंगूठी और मैं कुछ सामान, खाली LCD छोड़ के मैंने पूरे सामान दिए, मेज कुर्सी सब दिए। मैनपुरी में जैसे ही पारा चढ़ा तो विद्युत विभाग की पोल भी खुल गई। आए दिन गर्मी में बड़ा लोड के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी। जहां कल 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी तो वहीं आज फिर 2 विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक भयंकर आग लग गई। आग लगने से विद्युत तार टूटकर सड़क पर गिरने लगे। लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया तो वहीं दमकल की गाड़ियां समय पर ना पहुंचने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त हुआ। फिलहाल ब्रिटेन में इतना ही। नमस्कार।